हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्चना फ्रॉम अर्चना पीटी क्लासेस। आज जो मैं आपके लिए टास्क लेके आई हूँ, देखो काफ़ी बच्चों को रीडिंग फिलिंग इन द ब्लैंक्स, जो फोर्थ टास्क है रीडिंग का, उसमें प्रॉब्लम आती है। किस तरीके की उनको प्रॉब्लम फेस करनी होती है, देखो कैसी वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो भी पैराग्राफ आया है उसको आपको ध्यान से रीड करना है। मीन्स अगर जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उससे रिलेटेड फिर आपने वर्ड्स जो हैं, जो भी वो कैप वर्ड्स हैं, वो आपने चूज करने हैं। जब तक आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा है कि किस टॉपिक किस किस पे बेस्ड है और कौन कौन से इसमें वर्ड्स रिक्वायर्ड है। लाइक अब ये MBA पे बेस्ड है, मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी इसमें वर्ड्स हो सकते हैं, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। डिसाइडिंग टू गो टू बिजनेस स्कूल इज परहैप्स द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ व्हाट कैन बी अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। विद नियरली 600 एक्सक्रेडिटेड MBA प्रोग्राम्स ऑन डैश अराउंड द वर्ल्ड। MBA प्रोग्राम्स जो है ऑन डैश किए जाते, क्या किए जाते हैं अराउंड द वर्ल्ड। स्टैंडर्ड्स हो गया, स्टैंडर्ड देखो रिलेट नहीं करा, हमने रिलेटेड ही वर्ड इसमें चूज करना है जो सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहा है। होल्ड किए जाते हैं, अगर आप आगे पढ़ोगे होल्ड वाली ऐसी कोई बात नहीं है। चूज, चूज नहीं हो सकता, ऑन चूज अराउंड द वर्ल्ड नहीं होगा, डिप्राइव नहीं होगा, माइनॉरिटी नहीं, ऑन वॉन्ट भी नहीं हो सकता, क्राइटेरिया भी नहीं। ऑन इसमें देखो एक ही वर्ड जो है रिलेट करा, दैट इज ऑफर, कि ऑफर किए जाते हैं MBA प्रोग्राम्स अराउंड द वर्ल्ड। द चॉइसेस ऑफ वेयर टू स्टडी कैन बी ओवरवेलमिंग। चॉइस ऑफ वेयर टू स्टडी, हेयर वी एक्सप्लेन हाउ टू डैश द राइट स्कूल। हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे आप राइट स्कूल क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रिलेट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट छोड़ना मतलब, डिप्राइव, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, देखो ये वाला कोई वर्ड इसमें से रिलेट नहीं कर रहा। हेयर वी, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं हाउ टू चूज द राइट स्कूल। सो चूज लगा दिया हमने यहाँ पे, द राइट स्कूल एंड कोर्स फॉर यू एंड अनरेवल द एप्लीकेशन एंड फंडिंग प्रोसेस। Probably the dash of people applying to business school. Probably dash of, मतलब कि कोई proportion की बात हो रही है, dash of people applying to business school के लिए apply करते हैं। क्या आएगा आगे अगर आप पढ़ोगे, are at a point in their careers where they know they dash to shake things up. Majority of people applying to business schools at स्कूल एट आर एट अ पॉइंट इन देयर करियर्स वेयर दे नो, जहां उनको पता है, दे डैश टू शेक थिंग्स अप। दे, देखो इसमें से कौन कौन से वर्ड रह गए अब हमारे पास, स्टैंडर्ड्स नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, होल्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्राइटेरिया, दे वॉन्ट टू शेक थिंग्स अप। देन But they don't know exactly what they want to do with their professional lives, says Stacy Blackman, an MBA admissions consultant based in Los Angeles. If that's the case with you, if that's the, अगर यही आपके साथ हो case with you, look at other, अब यहाँ पे colon है, लुक एट अदर क्या आ सकता है, लुक एट अदर डैश, अब ये चीजें आप पढ़ो, देखो कल्चर, टीचिंग मेथड, लोकेशन, ये चीजें दी हुई है। लुक एट अदर क्या आएगा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया है ना, अलग अलग चीजें हैं ये, इसलिए क्राइटेरिया। दैट्स अ गुड फिट फॉर यू एंड अ स्ट्रॉन्ग जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे इसे एंड चेक द आंसर। देखो ऐसे आपके आंसर्स जो हैं पूरे ठीक हो जाएंगे। इसको आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो हो सकता है एक एक ब्लैंक को आपको 5-5 मिनट्स भी लगे, बट डे बाय डे जब आप इसको स्टार्ट कर देंगे, कुछ भी वर्ड आपको नहीं समझ आ रहा, लाइक कोई भी वर्ड है इसमें से, पहले आपने ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन में आधे तो वर्ड का मतलब आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है आप सर्च कर सकते हैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, जिसमें भी आपको सही लगता है कि मुझे इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो उस लैंग्वेज में आप उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब देख के उसको साथ लिख लीजिए। देन उसके बाद आप रीड करना स्टार्ट कीजिए और इसको इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए। अब एक और हम नेक्स्ट करते हैं,
परफॉर्मेंस अप्रेसल्स हैव ट्रेडिशनली बीन कंसीडर्ड द बेस्ट वे टू डैश एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस. ये बेस्ट वे है क्या करने के लिए एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस का. टू, अब इसमें से देखो क्या क्या वर्ड है. सपोज अब आपको प्रोसेस का मतलब पता है, अबॉलिश का, खत्म करना, प्रेजेंस का मतलब ठीक है, इवेल्युएट का भी पता है. आपको लग रहा है कि मुझे मोनोपोलाइज का मतलब नहीं पता, आपने क्या करना है, गूगल पे जाके उसको सर्च करना है कि इसका मतलब क्या होता है. एक दो ही वर्ड ऐसा आपको मिलेगा जिसका मतलब आपको नहीं पता है, तो उसमें आपने सर्च करना है. मोनोपोलाइज का मतलब ऐसे कंट्रोल करना होता है, तो सर्च कर लिया तो उसको नोट डाउन कर लो. देन उसके बाद आप फिर से पढ़ो इसको. परफॉर्मेंस अप्रेसल्स हैव ट्रेडिशनली बीन कंसीडर्ड द बेस्ट वे टू डैश एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस. मतलब कि ये बेस्ट वे है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का, मींस टू इवेल्युएट एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस. बट इंक्रीजिंगली ऑर्गेनाइजेशंस आर फाइंडिंग देम ऑफ लिटिल डैश. क्या कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीजिंगली आर फाइंडिंग देम ऑफ लिटिल. अब देखो लिटिल रेटिंग नहीं हो सकता, लिटिल प्रोसेस भी नहीं हो सकता, लिटिल अबॉलिश तो खत्म करना, लिटिल प्रेजेंस भी नहीं हो सकता. क्या बचा इसमें, एक ही वर्ड बचा हमारे पास, वैल्यू, लिटिल वैल्यू. इम्प्लॉयज फाइंड देम स्ट्रेसफुल एंड अनहेल्पफुल. इम्पॉर्टेंटली दे ऑल्सो टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम. वेन डेल्यू Deloitte analyze their own dash. Their own, जब उसने analyze किया अपना क्या, their own dash, they found managers and employees spend around 2 million hours a day on performance reviews. मतलब कि उसने क्या उसको मिला कि managers जो employees हैं 2 million के around hours spend कर रहे हैं एक साल में अपनी performance review पे. तो क्या आएगा their own, क्या आएगा इसमें से, एक ही चीज relate कर रही है, that is process. Then, a growing number of companies have decided to dash performance reviews altogether instead introducing more regular catch-ups. कि ज़्यादातर जो companies हैं, वो उन्होंने क्या decide किया है? To dash performance reviews altogether. To rating तो आ नहीं सकता, ठीक है? To monopolize का मतलब क्या होता है? Control तो आ नहीं सकता. और क्या बचा आपके पास? टू प्रेजेंस नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ होता है. देन टू अबॉलिश मतलब खत्म करेंगे इस चीज को. हैव टू डिसाइड ऑन डिसाइड किया कि हम इस चीज को परफॉर्मेंस रिव्यूज ऑल टुगेदर खत्म करें, क्योंकि उसमें देखो जो मैनेजर्स हैं एम्प्लॉयज हैं उन्होंने वो काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ अपने परफॉर्मेंस रिव्यूज के लिए. इंस्टेड का इसकी बजाय इंट्रोड्यूसिंग मोर रेगुलर कैचअप्स. देन चेक द आंसर. देखो तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं. कुछ कुछ वर्ड आपको बीच में मिलेंगे जिसका आपको मतलब नहीं पता, और कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं तो अगर आप सर्च भी करते हो तो उसका मतलब आपको क्लियर नहीं होता कि क्या है. बट आपने कहाँ पे ध्यान देना, आपने ध्यान देना जो सेंटेंस चल रहा है उसमें जिसमें ब्लैंक है कि उसमें किस चीज की बात हो रही है. और इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, जैसे ग्रामर बेस्ड होते हैं ब्लैंक्स तो आपने क्या करना है. कई बच्चे सोचते हैं कि शुरू पास्ट से हुआ तो एंड तक पास्ट की ही बात होगी, ऐसा कुछ नहीं है. शुरू पास्ट से हुआ, ठीक है, पास्ट की उन्होंने बात की, देन उसके बाद आपने सेंटेंस जहां पे ब्लैंक है वो सेंटेंस पे आपने देखना है कि कौन सा टेंस यूज हो रहा है, देन फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपने वर्ड चूज करना है. जैसे आप ये नेक्स्ट देख सकते हैं, ये वाला ब्लैंक हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट व्हाइल अकाउंटिंग, आप फर्स्ट आपने क्या देखना है, एडिटोरियल्स, नॉलेज, एनालाइजिंग, अनाउंस, इसमें तो सारे वर्ड सिमिलर से हैं, मतलब इजी हैं, कॉमन वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं डे टू डे में, तो इसमें कोई भी ऐसा टफ वर्ड नहीं है. देन अब आपने पैसेज पे आ जाना. अगर आपको फिर भी लग रहा है कि इसमें कोई टफ लग रहा है मुझे वर्ड जिसका मतलब मुझे नहीं पता है, तो आपने फाइंड आउट करना है पहले वर्ड मीनिंग. ओके, व्हाइल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल डैश एंड रिकॉर्ड्स. मतलब कि रिकॉर्ड से रिलेटेड कोई यहाँ पे वर्ड आएगा क्योंकि एंड है बीच में. अगर बीच में एंड और होता है ना तो जो सेकंड वाला या फर्स्ट वाला वर्ड है जो दिया हुआ है ऑलरेडी उसके बाद ब्लैंक है तो उसमें आपने देखना है कि वो वर्ड क्या है, उसके साथ कौन सा वर्ड रिलेट कर सकता है.
तो अब रिकॉर्ड्स के साथ अगर हम नीचे जाएं, देखो एडिटोरियल्स नहीं, रिकॉर्ड के साथ नहीं होगा, वो प्लूरल है तो प्लूरल वाला ही देखना है, एक ही बचा है प्लूरल वाला, रिपोर्ट्स ये हम लगा देंगे। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स अराउंड अक्रॉस द बिजनेस वर्ल्ड। Finance uses this same information to dash future growth and to analyze expenditure in order to strategize. Finance use करते हैं this same information to dash future growth. Same information future growth को क्या करने के लिए? To अब टू के साथ क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू के साथ अब टू एडिटोरियल्स नहीं आएगा, टू नॉलेज फ्यूचर ग्रोथ ये भी रिलेट नहीं कर रहा है। अनाउंस कर रहे हैं, अनाउंस अगर इधर बात होती, इन ऑर्डर टू स्ट्रेटेजाइज कंपनी फाइनेंस, अनाउंस की भी कोई बात नहीं हो रही है। देन कंटेंट, टू कंटेंट भी नहीं होता कभी भी, टू यूजिंग तो आई एन जी वाला वर्ड है, इसमें फर्स्ट फॉर्म आनी है, दैट इज यही बचा हमारे पास, टू प्रोजेक्ट फ्यूचर ग्रोथ एंड टू एनालाइज। प्रोजेक्ट करेंगे फ्यूचर ग्रोथ को और उसके बाद उसको एनालाइज भी करेंगे, एक्सपेंडिचर, उसका जो एक्सपेंडिचर उसको एनालाइज करेंगे, किस लिए? टू स्ट्रेटजाइज कंपनी फाइनेंसेस, फाइनेंसेस के जो कंपनी के फाइनेंसेस है उसको स्ट्रेटजी करने के लिए, मतलब स्ट्रेटजी बनाने के लिए। बाय स्टडिंग दिस मेजर यू गेट टू हैव अ बेटर इनसाइट ऑन द मार्केट With the right dash and skills। अब देखो skill के साथ क्या word use हो सकता है? काफी बारी हम newspaper पढ़ रहे हैं या कोई भी English का article पढ़ रहे हैं या books में भी हमने पढ़ा होगा, तो skills के साथ एक ही word जो है आता है ज्यादातर, that is knowledge and skills। तो knowledge यहाँ पे already दिया हुआ है, ये लगा देंगे knowledge and skills acquired you should be able then when you graduate to advise others in making strong investments। This major will help you gain responsibility of predicting। अब यहाँ पे भी क्या आया? And आ गया, मतलब कि predicting and dash, and मतलब predicting के कोई मिलता जुलता word ही आएगा। और अब बिल्कुल सिंपल तरीका ढूंढने का, आई एन जी लगा हुआ तो हमने आई एन जी वाला वर्ड देखना है, दैट इज इसमें एक ही वर्ड है, वो है एनालाइजिंग। ओके, देन अब हम चेक करेंगे, देखो सारे आपके ठीक है, तो एंड और आ गया, तो इस तरीके के वर्ड्स है ना, इसमें वर्ड सर्च करना बहुत आसान होता है, आंसर सर्च करना काफी आसान होता है। प्लूरल सिंगुलर देख लो, पास्ट में तो नहीं है, ईडी वाला वर्ड तो नहीं, थर्ड फॉर्म तो नहीं है, आईएनजी वाला वर्ड तो नहीं है, मतलब कंटिन्यूटी में तो नहीं है, तो ये चीजें बहुत हेल्प करती है। ठीक है, एंड और वाला वर्ड आ गया, और जो भी मैंने आपको ग्रामर रूल्स ऑलरेडी बताए हुए हैं, लाइक बी के बाद क्या आता है, बाई के बाद क्या होता है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, बाई के बाद आई एन जी, फोर ऑफ, इसके बाद ज्यादा आई एन जी वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर माइंड में रख के इन चीजों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत ईजी है ये सॉल्व करना है। तो बस फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि कोई वर्ड मतलब नहीं पता किसी वर्ड का, तो उसको वर्ड मतलब का, मतलब वर्ड मीनिंग उसका फाइंड आउट करो, देन उसके बाद अपना स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिस। और हो सकता है पहले आपको 10-10 आप डेली बेसिस पे कीजिए इसको, जैसे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब कि आपकी रीजनिंग थोड़ी सी इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, देन उसके बाद आप इसको 15-20 रोज के करोगे तो इसमें इंटरेस्ट भी आपको उतना ही आ जाएगा। बिकॉज फर्स्ट टाइम में बच्चे को लगता है कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल इन द सेंस कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो एडवांस होती है थोड़ी सी, इस करके बच्चे को थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आती है। बट अगर आप समझ रहे हो उस चीज को, क्योंकि सारी रिसर्च पे ही होता है, समझ के कर रहे हो तो बहुत आपको आसान लगेगा। और अगर आपको इसमें देखो इंटरेस्ट आ गया रीडिंग में, देन आप ज्यादा से ज्यादा इसको फिर सॉल्व कर पाओगे और आपके ठीक भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आगे मैं इसी टॉपिक पे वीडियो आगे बनाऊंगी, तो आप उसके लिए वेट कीजिए। एंड जो भी आपको मतलब लग रही है अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स पे जरूर हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।